Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. तो स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के फेब्रुअरी लेक्चर्स में. आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दी प्रीवियस लेक्चर्स. वाई वी आर रिकमेंडिंग टू गो टू ऑल दी प्रीवियस लेक्चर्स बिकॉज देर आर मल्टीपल टॉपिक्स इन अपकमिंग लेक्चर्स which will be the update of the older topics only, right? So it is very important कि आपको आगे के जो उसके background है, जो detail है, वो आपको पता हो, ताकि जब end हो कोई topic तो आपको उसका पूरा cumulative picture पता हो. आज का जो हमारा पहला topic है that is related to central government scheme और pilgrim places को develop करने के लिए government ने जो scheme निकाली थी उसके बारे में हमें बात करनी है. क्या अपडेट है उसके बारे में. सो वो स्कीम तो पहले है प्रसाद प्रोजेक्ट्स. सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ गोवर्धन मथुरा प्रोजेक्ट अंडर प्रसाद स्कीम. तो देखिए, प्रसाद स्कीम का अल्टीमेट गोल ये है कि जितने भी पिलग्रिमेज टाउन्स है, सिटीज़ है, साइट्स है, उनको रेलवे से जोड़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाए और वहाँ पे टूरिज़्म बनाने की कोशिश की जाए. द गवर्नमेंट ऑल्सो अलोकेटेड फंड्स अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू वरियस स्पिरिचुअल सर्किट्स सच एज द रामायण एंड बुद्धा सर्किट्स. तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं. सो दिस कैन बी सीन कि भाई वोटर्स को लुभाने के लिए, स्पेसिफिकली हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड कि ऐसी स्कीम्स लाने से वोटर्स उनको वोट देंगे. प्रसाद स्कीम क्या है. सो द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव. देखिए, नाम पूरा आपको याद रखना है. नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन द ईयर 2014-15 विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन. तो 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये स्टार्ट किया विथ द एम टू रिजुविनेट द पिलग्रिमेज एंड स्पिरिचुअल टाउन्स. द नेम ऑफ द स्कीम वाज लेटर चेंज्ड फ्रॉम प्रसाद टू नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव इन अक्टूबर 27. तो 27 में उसको हेरिटेज भी जोड़ा गया. Why? Because जितने भी हमारे हिस्टोरिकल टाउन्स है, दोज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एज वेल. कल्चरल हेरिटेज का वो बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए हेरिटेज टूरिज्म को भी इसमें जोड़ा गया. आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द हृदय स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज डेस्टिनेशंस वॉज इंक्लूडेड इन प्रसाद स्कीम, चेंजिंग इट टू प्रसाद. तो 2017 अक्टूबर में प्रसाद का नाम बदलकर प्रसाद किया गया. अंडर द प्रसाद स्कीम सेवरल रिलीजियस सिटीज़ और साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट सच एज अमरावती एंड श्रीसाइलम आंध्र प्रदेश, कामाख्या फ्रॉम आसाम, पारासुरम कुंड फ्रॉम लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, पटना, गया, बिहार एट्सेट्रा. Implementation agency कौन सी होगी इसकी. सो द प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर दिस स्कीम शेल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द आइडेंटिफाइड एजेंसीज बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट. तो फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से आएगा, पार्शियल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से आएगा, बट जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी दैट विल बी द एजेंसी आइडेंटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट. फंडिंग मैकेनिज्म कैसा रहेगा. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स अंडरटेकन फॉर पब्लिक फंडिंग. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज है वो इसको 100% फंड करेंगे. दिस स्कीम सीक्स टू लेवरेज द वॉलेंटरी फंडिंग अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी and the public private partnership for improved sustainability of the projects under this scheme. तो अगर कोई कंपनी CSR के अंडर भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहे that they can, वो कंट्रीब्यूशन दे सकती है, उसको गवर्नमेंट CSR कंट्रीब्यूशन में काउंट करेगी. सो इससे गवर्नमेंट पे जो बर्डन है वो थोड़ा बहुत कम होगा. प्रसाद स्कीम के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सो harness pilgrimage tourism for its multiplier and direct effect on employment generation and economic development। तो जब एक कोई छोटे से टाउन में आप टूरिज़म बढ़ाओगे, हेरिटेज बेस्ड टूरिज़म बढ़ाओगे या पिलग्रिमेज बेस्ड टूरिज़म बढ़ाओगे, तो उसके साथ साथ देयर आर मल्टीपल अदर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे डेवलप होगी, जनरेट होगी। इससे जो लोकल बूस्ट है इकोनॉमी को वो मिलेगा। इसके साथ साथ हेरिटेज और पिलग्रिमेज टाउन जो है वो कंजर्वेशन के लिए उसको फंड भी मिलेगा, तो आने वाले कई सालों तक उसमें इम्प्रोवाइज़ करके अपना कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड मेन ऑब्जेक्टिव टू हार्नेस पिलग्रिमेज टूरिज्म फॉर इट्स मल्टीप्लायर एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉलो प्रो पुअर टूरिज्म कॉन्सेप्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, लेवरेजिंग पब्लिक एक्सपर्टीज एंड कैपिटल। Fourth one is enhance tourist attractiveness sustainably by developing world-class infrastructure in religious destinations. Create awareness amongst the local communities about the importance of tourism for them in terms of improved living standards, increased in sources of income and overall development of the area. Promote local culture, so arts, cuisine, handicrafts। जब एक town डेवलप होता है या उसको इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो धीरे धीरे उसका आर्ट, उसका कल्चर, कुजीन, हैंडीक्राफ्ट्स भी धीरे धीरे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म के थ्रू ही उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। सो प्रमोट लोकल कल्चर, आर्ट्स, कुजीन, हैंडीक्राफ्ट्स एट्सेट्रा टू जनरेट लाइवलीहुड इन दी आइडेंटिफाइड प्लेसेस। तो दिस इज़ दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रसाद स्कीम, जिसके लिए रिसेंटली मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए फंड अलोकेट किया गया है इन रिसेंट पास्ट। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, जो इसी के साथ लिंक कर दी गई है। सो स्वदेश दर्शन सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2014-15 फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन द कंट्री। अब देखिए टूरिस्ट सर्किट का मतलब क्या है कि अगर कृष्ण सर्किट में बना रहा हूँ तो कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई, लॉर्ड कृष्णा के जीवन से जुड़े हुए जितने भी प्लेसेस हैं उनको रेलवे से और एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। सेम फॉर लॉर्ड राम, सेम फॉर लॉर्ड बुद्धा एंड मल्टीपल अदर पिलग्रिम प्लेसेस जिनको कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, उनको पिलग्रिम सर्किट के तौर पर या रिलीजियन सर्किट के थ्रू जोड़ा जाएगा और उसके थ्रू टूरिज़म को बूस्ट मिलेगा। सो अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम कॉल्ड स्वदेश दर्शन स्कीम, 15 थीमेटिक सर्किट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच इज़ बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्ण सर्किट, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकर, ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ सर्किट। तो मल्टीपल एंड ऑलमोस्ट 15 जितनी सर्किट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है एंड गवर्नमेंट इज़ नाउ उसको फेज़ वाइज तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। Under this scheme, the Ministry of Tourism provides central financial assistance to state governments, union territory administrations for infrastructure development of circuits. This scheme is envisioned to synergize with other schemes like Swachh Bharat Abhiyan, Skill India, Make in India, etc., with the idea of positioning the tourism sector as a major engine for job creation, driving force for economic growth, building synergy with various sectors to enable tourism to realize its potential. तो देखिए जब रेलवे से या एविएशन से ये सारे सर्किट्स जुड़ जाएंगे, पूरा पाथ कंप्लीट जब होगा तो आप सोच सकते हो कि कितना टाइम बचेगा, कितना टूरिज़म इससे इंक्रीज़ होगा और टूरिज़म के इंक्रीज़ होने से जो लोकल इंसान है उसको कितना फ़ायदा होगा, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स में उसको कितना फ़ायदा होगा, लोकल इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रसाद स्कीम एंड स्वदेश दर्शन स्कीम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। काफ़ी बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है वन लाइनर क्वेश्चन की तरह, तो एक छोटा सा टॉपिक है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया का पासपोर्ट कितना पावरफुल है वो इस इंडेक्स से हमें पता चलता है। एंड हाउ द पावरफुलनेस ऑफ एनी पासपोर्ट हैज़ बीन मेजर्ड, तो अगर किसी कंट्री के पासपोर्ट से आप जितने ज़्यादा कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री विजिट कर सकते हो, दैट इज़ द की पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. सो इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 83rd in the most powerful passport report Henley Passport Index 2022. तो देखिए इंडिया को 83rd रैंक मिला है. इंडियाज़ पासपोर्ट हैज़ इम्प्रोवाइज्ड दिस क्वार्टर कंपेयर्ड टू 2021, climbing 7 places at a time from 19th rank last year. The current rankings are for the first quarter of 2022. तो 2021 के लास्ट क्वार्टर से पिछले 3 महीनों से हमने 2022 के पहले 3 महीनों में ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दिखाया है. और हमारे जो वीज़ा फ्री जो विजिटिंग कंट्रीज़ के जो नंबर से वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं. अबाउट द इंडेक्स, so the Henley Passport Index is the original ranking of all the world's passport according to the number of destinations their holders can access without a prior visa. ठीक है, आपको ऑन अराइवल वीज़ा की ज़रूरत है, prior visa या वो कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. उस बेसिस पे पावरफुल पासपोर्ट को नापा जाता है. ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलीन, this ranking is based on exclusive data from the International Air Transport Association, which maintains the world's largest and most accurate database of travel information. It was launched in 2006 and includes 199 different passports. It is updated in real time throughout the year as and when visa policy changes कम इन टू इफेक्ट. तो अगर कोई कंट्री अपनी वीज़ा पॉलिसी में चेंजेस भी करती है तो वो रियल टाइम सिनारियो में ये सारे डेटा चेंज किए जाते हैं और उसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स उसको कंसिडर करता है. ग्लोबल रैंकिंग क्या है? सो जापान और सिंगापुर दोनों ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, वाइल जर्मनी एंड साउथ कोरिया हेल्ड ऑन टू द जॉइंट सेकेंड स्पॉट एंड द लेटेस्ट रैंकिंग, वाइल फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग एंड स्पेन शेड द थर्ड प्लेस. Afghanistan and Iraq continue to be in the worst passport to hold category. तो अफ़गानिस्तान में तो recent जो situation है after the Taliban capture, उसकी वजह से अफ़गानिस्तान को in the worst passport में रखा गया है. इंडिया का performance क्या है? So in 2020 India stood at 84th, while in 2016 India was ranked 85th along with Mali and Uzbekistan. India 83rd in 2022 shares a position with Sao Tome and Principe in Central Africa behind Rwanda and Uganda. India now has a visa-free access to 60 destinations worldwide, with Oman and Armenia being the latest addition. India has added 35 more destinations since 2006. तो देखिए 2006 तक हम सिर्फ 25 कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे हम ऑन अराइवल वीज़ा या वीज़ा फ्री जा सकते थे. Now we have reached to 60. We are much behind the top countries, but धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उसके साथ. Okay, so this is India's performance over the period of years. So our next topic is related to ISRO. और ISRO के नए चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ. तो हमें नए चेयरमैन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है एंड अपकमिंग मिशंस ऑफ ISRO क्या है और ISRO इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या मायने रखता है उसके बारे में हमें समझना है. सो रिसेंटली एस सोमनाथ, an eminent rocket scientist, has been appointed as the chairman of the Indian Space Research Organization and the Space Secretary. तो उनको Space Secretary के तौर पर और ISRO के chairman के तौर पर अपॉइंट किया गया है. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है डॉक्टर सोमनाथ का? सो ही हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle, and the GSLV Mark 3, that is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. तो अगर आप देखोगे तो जियोसिंक्रोनस कब यूज़ होता है? जब कोई बड़े मिशन या लॉन्ग डिस्टेंस वाले मिशन को लॉन्च करना है, एट दैट टाइम वी यूज़ GSLV. पोलर सैटेलाइट्स जब हमें लॉन्च करने होता है, कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एट दैट टाइम वी यूज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो PSLV और GSLV दोनों को ही डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. ही जॉइंड द GSLV Mark 3 प्रोजेक्ट इन 2003 एंड सर्व्ड एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रॉम 2010 टू 2014. ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, Later on, he contributed to the development of the indigenous cryogenic stages for the GSLV. तो उन्होंने इसरो में काफ़ी साल से काम किया है और मल्टीपल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है एंड दैट्स व्हाई ही हैज़ बीन चोजन एज द इसरो चेयरमैन. सो इसरो क्या है? इट इज़ इंडियाज़ ओनली स्पेस एजेंसी, नेशनल स्पेस एजेंसी हमारी. सो इट इज़ द पायोनियर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है इन बेंगलुरु. इसरो वॉज फॉर्म्ड इन 1969 विथ अ विजन टू डेवलप एंड हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेशनल डेवलपमेंट while pursuing planetary exploration and space science research. ISRO replaced its predecessor INCOSPAR, that is Indian National Committee for Space Research, established in 1962 by India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and scientist Vikram Sarabhai, considered among the founding fathers of Indian space program. तो देखिए हमारा space program पिछले 50-60 सालों में अगर आप किसी और country के 50-60 years के साथ compare करोगे, so our space journey is very much successful और हमने बहुत short span में we have achieved multiple milestones. हम पहली बार पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंच गए. चंद्रयान 3 जो था हमारा वो चंद्रयान 2 ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होते होते रह गया. ठीक है, 99% इट इज़ सक्सेसफुल. तो अब उसको जो गैप है दो 1% का जो गैप था टेक्नोलॉजिकल गैप या कनेक्शन गैप कह लो, दैट विल बी फुलफिलिंग बाय द चंद्रयान 3. ओके, मल्टीपल और मिशन इसरो आने वाले सालों में भेज रहा है. तो इसरो की अब तक की अचीवमेंट्स क्या है? So the first Indian satellite Aryabhata was built by ISRO and launched with the help of the Soviet Union on 19th April 1975. देखिए गठन होने के कुछ ही सालों में हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च कर दिया. The year 1980 marked the launch of Rohini, which was the first satellite to be successfully placed in orbit by SLV-3, an Indian-made launch vehicle. Subsequently, with more efforts, two other rockets were developed by ISRO, that is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, for placing satellite in polar orbits, and the GSLV, that is Geosynchronous Launch Vehicle, for placing satellites into geostationary orbits. Both the rockets have successfully launched several Earth observation and communication satellites for India as well as other countries. तो देखिए अब इसरो ने कमर्शियल विंग भी अपना स्टार्ट कर दिया है कि जो नेसेसिटी वाले कंट्रीज़ हैं जिनको अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजने हैं, बट ड्यू टू देयर स्पेस लिमिटेशन, स्पेस प्रोग्राम की उनकी लिमिटेशन की वजह से, फंड की वजह से अगर वो नहीं भेज सकते, इसरो इज़ हेल्पिंग देम एज वेल. इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लाइक IRNSS एंड गगन हैव ऑल्सो बिन डिप्लॉयड. तो हम गूगल मैप जैसी एक पूरी इंडिजीनियस मैपिंग सिस्टम रेडी कर रहे हैं. Indian Regional Navigation Satellite System is designed to provide accurate position information service to assist in the navigation of ships in the Indian Ocean waters. Gagan is the first India's first satellite-based global positioning system GPS that relies on ISRO's GSAT satellites. ओके, तो काफ़ी मदद मिलेगी इससे. और गूगल मैप जो काफ़ी सारे डेटा ब्रीच या सिक्योरिटी इश्यूज़ जो होते थे वो अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपके देश में ही रहेगा. इन जनवरी 2014 ISRO used an indigenously built cryogenic engine for GSLV D5 launch of the GSAT-14 satellite, making it one of the only 6 countries in the world to develop a cryogenic technology. तो cryogenic technology use करने वाले we were the 6th nation. Some remarkable space probes of ISRO include Chandrayaan-1 lunar orbiter, Mars orbiter mission that is known as Mangalyaan or MOM, and Astrosat Space Observatory. The success of the Mars orbiter mission made India only the 4th country in the world to reach Martian orbit. तो देखिए मंगल ग्रह पर मार्स पर पहुंचने वाला इंडिया चौथा देश है, रशिया, USA और चाइना के बाद. India launched Chandrayaan-2, its second lunar exploration mission after Chandrayaan-1 on 22 जुलाई 2019. तो 2019 में हमने Chandrayaan-2 भेजा और मून की फार साइड से 2.1 किलोमीटर हम दूर थे और हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया और Chandrayaan-2 ने हार्ड क्रैश वहाँ पर कर लिया. उसी को फिल करने के लिए, वहीं से आगे बढ़ने के लिए नाउ वी आर सेंडिंग Chandrayaan-3 और मोस्टली on the later part of 2022 we will be sending Chandrayaan-3. अपकमिंग मिशन कौन से है, तो अपकमिंग जो पहला इंपॉर्टेंट मिशन है दैट इज गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का पहला मैन मिशन होगा, स्पेस मैन मिशन. इसमें 4 व्योम नोट्स को मीनिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा और गगनयान मिशन का जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि 2030 में हमें इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है. तो उसकी प्री रिक्विजिट के लिए, उसके फिजिबिलिटी चेक के लिए वी आर गोइंग इनटू दी लोअर अर्थ ऑर्बिट. अर्थ से 300-400 किलोमीटर वाले ऊपर वाले एरिया में ये एस्ट्रोनॉट्स 4-5 दिनों के लिए रहेंगे और ये इंडिया का पहला मैन मिशन होगा जो 2023 के इनिशियल महीनों में लॉन्च किया जाएगा. कोविड की वजह से जो सारे प्लान्स थे वो थोड़े लॉजिस्टिक इश्यूज़ की वजह से डिले हो गए हैं. Chandrayaan-3 मिशन, सो Chandrayaan-3 इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022. तो गगनयान से पहले हम भेजेंगे Chandrayaan-3. 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हम भेजने वाले हैं, दैट इज़ EOS-4 Reset-1A. Oceanoset-3 विल बी लॉन्च्ड यूजिंग इसरोज वर्कहॉर्स PSLV. The third one, that is Microsat, will be launched in the first developmental flight of the small satellite launch vehicle SSLV. और ये तीनों भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में आने वाले कुछ दिनों में इसको लॉन्च किया जाएगा टेंटेटिवली. वेदर कंडीशन और ये सारी चीज़ें कुछ दिनों पहले ही पता चलेगी तो उसके हिसाब से इसकी फाइनल डेट डिसाइड की जाएगी. और कौन से है, तो नेक्स्ट इज़ शुक्रयान मिशन. सो इसरो इज़ ऑल्सो प्लानिंग अ मिशन टू वीनस टेंटेटिवली कॉल्ड शुक्रयान ओन स्पेस स्टेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030, जॉइनिंग द लीग ऑफ US, रशिया एंड चाइना टू एन एलिट स्पेस क्लब. तो एज ऑफ नाउ सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और खुद का स्पेस स्टेशन है. इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बाय 2030 बनाने के वे पे है एंड द गगनयान मिशन इज़ दी प्री मिशन टू दैट. सो ये सारी बातें कि हमने इसरो और उसके अपकमिंग मिशन के बारे में, न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर के बारे में, चेयरमैन के बारे में. स्टेप्स टेकन फॉर स्पेस रिवॉल्यूशन, तो नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाई गई है जो स्पेसिफिकली स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे बूस्ट किया जाए उसके लिए है. इन स्पेस नाम की कमर्शियल विंग को बनाया गया है जो कि इसरो के लिए फंडिंग इकट्ठा करने का काम करेगी बाय स्पेस ट्रेड. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL बनाया गया है एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया गया है. ये सारी ऐसी एजेंसीज है जो इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने का काम कर रही है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी और वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इंडिया में फॉरेस्ट की क्या सिचुएशन है, उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है. सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. In October 2021, an amendment was proposed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to the Forest Act 1980 to bring significant changes to forest governance in India. तो वो अभी सारे जो amendment है वो अभी पास नहीं हुए हैं. Government is thinking on that how we can move with the new governance. तो 2019 में जो रिपोर्ट आया था और बाई ईयरली ये रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार बाई एन्युअली तौर पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है. 2019 और 2021 के रिपोर्ट में क्या चेंजेस है वो भी आपको याद रखना है. तो कहाँ कहाँ पे जो ग्रीन कवर है या जो फॉरेस्ट कवर है उसमें गेन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका और झारखंड के जो स्टेट है वहाँ पे जो आपको राइट साइड जो नंबर दिए है उतने स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। अब देखिए साउथ के स्टेट आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, वाई? बिकॉज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका हैज़ ऑलरेडी applying the Miyawaki method to boost the urban forests और उसका फ़ायदा उन्हें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। सो दिस इज़ योर ओवरऑल पिक्चर के जहाँ पर लॉस हुए हैं, नेगेटिव चेंज जहाँ पर हुआ है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में जंगलों का कम होना इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अब तक हम नॉर्थ ईस्ट पे ही रिलाई करते थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में क्लाइमेट चेंज का इतना असर अभी नहीं हुआ है। धीरे धीरे वहाँ पे ड्रास्टिकली जो फॉरेस्ट कवर है या ग्रीन कवर है उसमें चेंज हो रहा है। सो ये रिपोर्ट क्या है बेसिकली? सो इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पब्लिश्ड एवरी 2 years बाई द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो हर 2 साल में इंडिया में जंगलों की क्या सिचुएशन है, फॉरेस्ट और ट्री कवर की क्या सिचुएशन है, उसको स्टडी करने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। द फर्स्ट सर्वे वॉज पब्लिश्ड इन 1987 एंड ISFR 2021 इज़ द 17th एडिशन। India is one of the few countries in the world that brings out such a survey every 2 years and this is widely considered comprehensive and robust। तो बहुत कम countries में से हम ये है जो ऐसा report publish करते हैं और इसकी वजह से India is on track to achieve the ambitious goal of 33% forest cover of its total land। तो हमारा ये goal है कि पूरे देश की 33% ज़मीन क्या होनी चाहिए, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर से ढकी हुई होनी चाहिए। जब तक हम उसको ट्रैक नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू मेक पॉलिसीज़ अकॉर्डिंगली, राइट? सो ये काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। द ISFR इज़ यूज्ड इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर्स। तो इससे बहुत सारी और चीज़ें भी हमें पता चलती है। क्यों? क्योंकि हम सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट को उस हिसाब से फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसीज़ बनाने में भी मदद मिलती है। 3 categories ऑफ फॉरेस्ट्स आर सर्वेड विच इज़ वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी डेंसिटी ओवर 70% हो, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जिसका कैनोपी कवर 40 to 70% हो और ओपन फॉरेस्ट जिसका कैनोपी कवर 10 to 40% हो। स्क्रब्स दैट इज़ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, मतलब जो अलग अलग ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ पेड़ पौधे उग गए हैं उसको आप स्क्रब्स बोलोगे। सो स्क्रब्स आर ऑल्सो सर्वेड बट नॉट कैटेगोराइज्ड एज फॉरेस्ट। तो उनको फॉरेस्ट नहीं बोल सकते बट उनको भी सर्वे किया जाता है। 2021 के ISFR रिपोर्ट में क्या नए फीचर्स है? सो इट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम असेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स एंड द गिर फॉरेस्ट विच हाउसेज द एशियाटिक लायन। तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में एशियाटिक और अफ्रीकन चीता के रीइंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और मध्य प्रदेश की पालपुर कोनो नेशनल पार्क में उनको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके बारे में बात की थी। तो उन हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए उनका करंट स्टेटस क्या है और उनका फ्लोरा और फौना पे क्या असर पड़ रहा है वो देखने के लिए और बाकी के जो स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट या नियर टू एक्सटिंक्ट वाले स्पीशीज़ है उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो चेक करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ एडेड द असेसमेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट कवर एज वेल। सो इट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम असेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स एंड द गिर फॉरेस्ट विच हाउसेज द एशियाटिक लायन। The forest cover in tiger corridors has increased by 37.15 square kilometer between 2011 to 2021 but decreased by 22.6 kilometers in tiger reserves। तो देखिए टाइगर रिजर्व में जंगल का कम होना इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ नाउ प्लानिंग कि इसको किस तरह से टैकल किया जा सके। इसके क्या क्या रीज़न है उसको भी आने वाले टाइम में एनालाइज किया जाएगा। Forest cover has increased in 20 tiger reserves in these 10 years and decreased in 32. तो 20 टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, बट 32 ऐसे टाइगर रिजर्व्स है जहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है आपका दैट हैज़ बीन डिक्लाइंड। Buksa, West Bengal, Annamalai, Tamil Nadu and Indravati reserves in Chhattisgarh have shown an increase in forest cover, while the highest losses have been found in Kaval in Telangana, Bhadra in Karnataka and Sundarban's reserves in West Bengal। देखिए सुंदरबन में फॉरेस्ट कवर का कम होना ग्लोबल वार्मिंग की निशानी और उसके और सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फ्लड जैसी सिचुएशन इंक्रीज़ हो सकती है, ज़मीन का पानी में डूबना भी बढ़ सकता है, तो उसके और सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी है जो हमें एनालाइज करने हैं। पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर विच इज़ नियरली 97%। अब देखिए वाई इन नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट एरिया आपका ज़्यादा है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लो एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी वहाँ पर कम है बिकॉज ऑफ द टेरेन, जो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, जोग्राफिकल टेरेन है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा जंगल का, ज़्यादा ट्री कवर का, ज़्यादा फॉरेस्ट कवर का उनको फ़ायदा मिला हुआ है। इस रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स क्या है, तो पहले हम चेक करेंगे कि इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है फॉरेस्ट कवर में। सो द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज विथ एन एडिशनल कवर ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। तो पिछले 2 सालों में, मीनिंग फ्रॉम 2019 रिपोर्ट टू 2021 का रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ, इन 2 सालों में 1540 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया जो है वो बढ़ चुका है। इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर इज़ नाउ 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज़ 21.71% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया एंड इंक्रीज फ्रॉम 21 टू 67% इन 2019। ट्री कवर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 721 स्क्वायर किलोमीटर। Tree cover is defined as all tree patches of sizes less than 1 hectare occurring outside the recorded forest area. This covers trees in all formation including scattered trees. तो tree cover की अपनी definition है, forest cover की अपनी definition है। Increase decrease in forest, तो कहाँ पर decrease देखने को मिला है और कहाँ पर increase देखने को मिला है। So the states that have shown the highest increase in forest covers are Telangana, Andhra Pradesh and Odisha। और देखिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मियावाकी मेथड जो कि जापान से ओरिजिन हुई थी, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी ये मेथड को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। हैदराबाद दुनिया का पहला ग्रीन सिटी भी बन चुका है थैंक्स टू मियावाकी मेथड। 5 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है इन दी फॉरेस्ट कवर। सो वो कौन से है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। और उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो वहाँ के रीसेंट डेवलपमेंट को माना जा रहा है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट विथ रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रोड्स, थ्रू हाईवेज़ एंड थ्रू रेलवे। तो उसके लिए जो कटाई होती है उसका असर हमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू प्लान कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट के साथ साथ फॉरेस्ट कवर को कैसे बरकरार रखा जाए। स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, तो एरिया वाइज जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है वो है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज percentage of total geographical area, the top 5 states are Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur and Nagaland। देखिए एरिया वाइज मध्य प्रदेश पिछले 2019 रिपोर्ट में भी फर्स्ट पे था, इस बार भी फर्स्ट है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन 2019 रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश वॉज ऑन टॉप, इस बार अरुणाचल प्रदेश डिक्लाइन होकर सेकेंड पोजिशन पे आ गया है एंड मिजोरम इज ऑन first position. The term forest area denotes to legal status of the land as per the government records, whereas the term forest cover indicates presence of trees over any land. Mangroves का क्या status है? So mangroves have shown an increase of 17 square kilometer, India's total mangrove cover is now 4,992 square kilometer, nearly 5,000 square kilometer. तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया हुआ. फॉरेस्ट प्रोन टू फायर्स, तो मतलब जहाँ पे फायर का जो सूखे पत्ते हैं, झाड़ियाँ हैं, उनसे फायर्स का क्या स्टेट है. सो 35.46% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज़ प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स. आउट ऑफ दिस 2.81% इज़ एक्सट्रीमली प्रोन, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड 7.85 इज़ वेरी हाईली प्रोन, एंड 11.51 इज़ हाईली प्रोन. By 2030, 45 to 64% of total forest in India will experience the effect of climate change and rising temperatures. तो आने वाले periods में हमें जो जंगलों में आग लगती है वैसे वाले incidents ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं. Why? Because temperature is continuously rising. Forest in all states except Assam, Meghalaya, Tripura and Nagaland will be highly vulnerable climate hotspots. Ladakh is likely to be the most अफेक्टेड. ओके, तो लद्दाख में ये चेंजेस हमें विजिबली और टाइम से पहले देखने को मिलेगा. ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के, जो ये चार स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स में क्लाइमेट चेंज का हैवी असर हमें फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलेगा. सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ये जो ISFR रिपोर्ट 2021 है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हाईली इंपॉर्टेंस टॉपिक में इसको ऐड करना है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर पाए. आपको डेटा के साथ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवोस समिट, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. So recently the Prime Minister addressed the World Economic Forum's Davos agenda via video conferencing. और ये हर साल देवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म जहाँ एवरी फील्ड से लोग आकर अपने जो थाट्स है उसको रखेंगे ताकि दुनिया को एक बेहतर स्पेस बनाया जा सके. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन डेवोस स्विट्ज़रलैंड एंगेजेस द वर्ल्ड्स टॉप लीडर्स टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास. तो अब इसमें टेररिज्म जैसे टॉपिक भी जुड़ गए हैं. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक को भी पिछले काफ़ी सालों से जगह मिल रही है. वन अर्थ वन हेल्थ का जो एक आइडिया है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड-19 इंडिया सेव्ड मेनी लाइव्स बाय एक्सपोर्टिंग एसेंशियल मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स बाय फॉलोइंग इट्स विजन ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ. हमने काफ़ी लोगों को फ्री में वैक्सीन दी है, राइट. और इंडिया में तो सारी ही जो वैक्सीन है वो फ्री में आपकी बट रही है, लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है. इंडिया हैज़ डिलीवर्ड 1154.173 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स टू 97 कंट्रीज टिल 31st December 2021. इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर एंड इज़ कंसिडर्ड फार्मेसी टू दी वर्ल्ड. और आने वाले सालों में गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि किस तरह से इंडिया को फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए ताकि सस्ती दवाएं बिके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट कर पाए. प्रो प्लैनेट पीपल P3 अप्रोच का भी आइडिया दिया गवर्नमेंट ने. सो प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ P3 मूवमेंट दैट अंडरस्कोर्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज एट द ग्लोबल फोरम COP26. Reiterated India's clean, green, sustainable and reliable energy goals which dwell on achieving a net zero carbon emission target by 2070. तो देखिए इसकी इस बार की जो COP26 की समिट थी उसमें नेट ज़ीरो कार्बन नाम का एक नया टर्मिनोलॉजी आया. सो व्हाट इज़ नेट ज़ीरो कार्बन? कि कोई कंट्री जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही कार्बन अगर वो सामने एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सो दैट इज़ अ गुड स्पेस. हर कंट्री को इसके लिए आगे बढ़ना होगा बिकॉज ज़ीरो कार्बन इज़ अल्टीमेटली नॉट पॉसिबल. आपको इंडस्ट्रीज़ भी चलानी है. इंडिया ने ये कमिटमेंट दिया है दैट इंडिया विल अचीव ज़ीरो कार्बन स्टेटस, नेट ज़ीरो कार्बन स्टेटस बाय 2070. मेकिंग लाइफ दैट इज़ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट गिवन बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट COP26 कॉन्फ्रेंस इनटू अ मास मूवमेंट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर P3. मतलब जैसे हमने वाटर कंजर्वेशन के लिए या स्वच्छ भारत के लिए लोगों के लोगों को जाकर ये बताया दैट यू हैव टू डू दिस, वो उनके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वैसे ही एनवायरनमेंट के लिए लोगों को अवेयर करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो मास मूवमेंट नहीं बनता तब तक उसके गोल्स को अचीव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लाइफ इज़ अ विजन ऑफ अ रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल that will come handy in dealing with the climate crisis and other unpredictable challenges of the future. Throwaway culture and consumerism has enhanced the climate challenges. तो climate change को बहुत सारी चीज़ें affect कर रही है। We cannot stop those things, जैसे कि development को आप stop नहीं कर सकते, but we need to manage somehow कि हम coexist कर सकें। Reforms recently undertaken by India, so in physical and digital infrastructure like optical fiber in 6 lakh villages, $1.3 trillion invested in connectivity related infrastructure, the goal of generation of $80 billion through asset monetization. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जिसका भी बजट में भी जिक्र हुआ, सो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू ब्रिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म टू इन्फ्यूज़ new dynamism to the seamless connectivity of goods, people and services. Today India has the world's largest secure and successful digital payment platforms. In December 2021, 4.4 billion transactions were done through unified payments interface in India. और recently budget में जिस हिसाब से ये बोला गया है कि RBI खुद की अपनी एक digital currency जो exclusively India के लिए होगी उसको पब्लिश करेगा। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाइक आरोग्य सेतु ऐप फॉर ट्रैकिंग दी कोरोना इन्फेक्शंस एंड कोविन पोर्टल फॉर वैक्सीनेशन। तो हमने सब ने यूज़ किया है जब फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, आरोग्य सेतु ऐप वॉज अ बिग सक्सेस और गवर्नमेंट को कोरोना पेशेंट्स को ट्रैक करने में इससे काफ़ी मदद मिली है। इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो इंडिया अभी पहले के कुछ सालों से मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो फेवरेबल प्लेस में धीरे धीरे चाइना को बीट करने वाले ट्रैक पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो रिसेंटली वेरियस रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट सच एज द रिमूवल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, रिडक्शन इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्ट्रक्चर, मेकिंग इट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन टुडे। इन द लास्ट ईयर अलोन इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड मोर देन 25 compliances. Today India has the third largest number of unicorns in the world. More than 10,000 startups have been registered in the last 6 months. India is promoting ease of doing business, minimizing government intervention. Policy making is focused on needs for the next 25 years for a clean and green as well as sustainable and reliable growth. तो India बार बार इसको push कर रहा है कि we will do the development but it will be clean development and green development, और इसीलिए solar energy को लेकर, wind energy को लेकर and overall जो renewable energy को लेकर जो हमारे policies है उसको काफ़ी praise मिल रहा है on international platforms. Challenges before multilateral organizations, when these institutions were formed the situation was different. Today the circumstances have drastically changed. Therefore, it is the responsibility of every democratic country to emphasize reforms in these institutions so that they can be enabled to meet the challenges of the present and future. तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। वाई? बिकॉज इकोनॉमी अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों के साथ भी जुड़ी हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? So the World Economic Forum is a Swiss non-profit foundation established in 1971, based in Geneva, Switzerland, recognized by the Swiss authorities as an international institution for public-private cooperation. Mission क्या है इसका? Committed to improving the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. तो यहाँ पे आप easily you can share your ideas, you can listen to other ideas as well. Founder और executive chairman कौन है इसके? Klaus Schwab। ये हर साल होता है and it is a very popular yearly event. some major reports published by WEF are Energy Transition Index, Global Competitiveness Report, Global IT Report, Global Gender Gap Report, Global Risk Report and Global Travel and Tourism Report. So this was your today's lecture. I hope you have understood each and every topic. Please do let us know in case of any doubt. Till that time, stay home, stay safe.